मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। आई लव हर। झूम रही है अनुपमा क्योंकि उसे मिल गया है एक नया साथिया। पर अनुपमा कुछ भी कर सकती है, वो सीरियल में आप देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अनुपमा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली को मिल गया है एक नया साथिया। ये है सारेगामा पा कारवा का कैरियोके वर्जन, जिसके साथ वो ना सिर्फ गाने गा सकती है बल्कि ढेर सारी बातें भी कर सकती है। भाई जो काम अनुपमा का परिवार और वनराज नहीं कर पाया वो इस जादुई डब्बे ने कर दिखाया। और ये जादुई रेडियो है सारेगामा कारवा का नया कैरियोके वर्जन, जहां पर आप अपने मनपसंद गाने साथ साथ गा सकते हैं, अपनी आवाज में झूम सकते हैं और अपने घर की पार्टी को बना सकते हैं शानदार, जैसे अनुपमा अपने सेट पर बना रही है। कौन सा गाना कौन सी फिल्म का है ये सब मैं बताने में काफी एक्सपर्ट हूँ। आई थिंक मैं एक्चुअली मैं उस एरा की हूँ, लेकिन इस एरा में टीवी पे आ गई। मुझे वैसे भी सब ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं, क्योंकि बंगाली में कहा जाता है कि लड़की को खाना बनाना आए ना आए गाना गाना आना चाहिए, ताकि पति घर में खुश रहते हैं। तो मेरे पापा को भी ऐसे ही लगा था, तो बचपन में मुझे गाना वाना सिखाया था एंड उनको लगता था कि मैं कमाल की सिंगर बन सकती हूँ, लेकिन ही डिडंट रियलाइज दैट आई एम नॉट दैट। माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ इज माई क्या कहते हैं कि वो एक मेहनत करने वाला जो होता है ना, कि ओ बापरे रोज़ रियाज करो, जो सिंगर्स ऐसे कमाल का रियाज वगैरह करते हैं, सोनू निगम को देखती हूँ तो उनके आवाज़ ऐसे लगता है कि इट्स माँ सरस्वती का ब्लेसिंग कमिंग ऑन योर ईयर्स एंड ऑल द फैंटास्टिक सिंगर्स जो इस एरा के या फिर इवन अपने 90s एंड 2000 बिगिनिंग के हैं, दे आर फिनोमिनल। अभी तो खैर वो सब दुनिया भर के ट्वीकिंग हो जाती है, ये हो जाता है, अरे ये सुर में नहीं बेसुर, कोई बात नहीं सर करते तो, अभी क्या अभी करते, ऐसे सब होता है। बट तब के जो एक्चुअल सिंगिंग होती थी, द एक्चुअल अकोस्टिक्स, दैट वाज समथिंग एल्स। और मैं उस घर में बड़ी हुई हूँ बिकॉज पापा वाज अ फिल्म मेकर, तो यही देखते हुए बड़े हैं कि लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, लोग सब गाना गा रहे हैं महबूब स्टूडियोज़ में, वहाँ पर अंदर, यहाँ पर पूरा ऑर्केस्ट्रा एंड ऑल दैट इज़ प्लेइंग। सो मे बी इवन यू नो आर डी बर्मन जी एंड ऑल दीज पीपल, बापी काका, ये लोग सब जब म्यूज़िक होता था उनका तो पूरा ऑर्केस्ट्रा यहाँ होता था, सिंगर्स गाना गाते थे, तो ऐसा नहीं था कि अलग अलग ट्रैक पे रिकॉर्ड हो के अच्छा सिंगर ने बाद में गा लिया, पहले म्यूज़िक रिकॉर्ड कर लो, एक साथ में जो गाते थे। तो वी ग्रोन अप सीइंग दैट, तो वो एरा ना कभी भूलेगा और ना ही वो साउंड। आई नो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस नूपुर, थैंक यू। किशोर कुमार, देयर इज नोबडी लाइक हिम, देयर कैन बी नोबडी लाइक हिम, ही वाज गॉड, ही वाज एब्सोल्यूट गॉड। कोई भी टाइम पर अगर आप मुझे एनीथिंग, आई एम सैड अबाउट एनीथिंग, आई एम डिप्रेस्ड, अब मुझे बस किशोर कुमार का गाना सुना दो, आई बी हैप्पीएस्ट, बिकॉज बचपन से मैं किशोर कुमार के किस्से सुन सुन के बड़ी हुई हूँ। माई फादर वॉज एन आर्डेंट फैन ऑल्सो, एज वेल एज ही लव्ड किशोर कुमार लाइक हिज यू नो ओन फैमिली। किशोर कुमार सपोर्टेड माई फादर अ लॉट एंड आई मीन लाइक हाफ टिकट में पापा असिस्टेंट थे, तो मैं और मेरा भाई हाफ टिकट के बड़े सारे किस्से सुन सुन के बड़े हुए हैं। तो आई जस्ट लव किशोर कुमार, वॉट मैडनेस ही हैड एंड दैट माथा ए चीट बॉल है ना, बट जीनियस जीनियस जीनियस, ही वॉज ब्लेस्ड मैन, व्हाट अ फिनोमिनल ह्यूमन बीइंग। अनुपमा को अपने इस खास तोहफे को पाकर अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। आई लव दिस, I never had a karaoke. How sweet, Nupur! I'm so excited with this gift. Not that you can go and get it, but when you get a gift, it's so exciting. Yeah. And this is such a surprise. You just
landed up with this and it's such a surprise. Something that I always wanted. Saregama Karwa with the karaoke edition. Superb. I'm so excited. महफिल तो काफ़ी जमेगी बिकॉज भले ही सुर हो ना हो, भले ही कुछ आए ना आए, गाना आए ना आए, पर वो कहते हैं ना कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए. तो हम लोग गाना गाते रहते हैं. इनफैक्ट मेरा भाई परेशान हो जाता था जब मैं मम्मी के घर में थी वर्ली में, कि सुबह सुबह उठ के मेरा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाना चालू होता. जो बाथरूम से शुरू करती थी वो आवाज़ बाहर तक आती, लाइक शट अप. और ज़िंदगी में कभी मैंने लिरिक्स सही नहीं गाए. तो मतलब हाँ, ये उसमें मदद होगी आई थिंक. या अभी तो जैसे अभी 26 को छुट्टी है, मेरे पापा का बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो उस दिन डेफिनेटली सारी फैमिली आएगी, विल मीट अप एंड दिस इज़ समथिंग दैट विल बी आवर पार्टी का पार्टी या गेट टुगेदर का मेन स्टे होगा डेफिनेटली. थैंक यू नूपुर. वैसे अनुपमा ने रूपाली का पुराने गानों और ब्लैक एंड वाइट की दुनिया से खास नाता है, और आज वो नाता फिर से सुनाई दिया. और नाते की कड़ी जुड़ी है उनके पिताजी से. रूपाली के पिता अनिल गांगुली ने कई ढेर सारी फिल्में बनाई, इसलिए फिल्में और पुराने गाने उनकी रग रग में बसते हैं. और बंगाली होने की वजह से उन्हें गाने का बहुत शौक है. और अब तो सारेगामा पा कारवां के इस करोके वाली जादुई रेडियो के साथ उनका भी शौक उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है. तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह रूपाली को इस जादुई डब्बे ने खुशियां दी, उसी तरह उनके सीरियल में भी खुशियां आएं. फिलहाल रूपाली का यह नया साथिया उन्हें दे रहा है ढेर सारी खुशियां. आज तक ब्यूरो.